अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अंसर है। मेरे पास इस वक्त एक किताब पड़ी है जिसका नाम है गुजरात तारीख के आईने में। इस बुक का इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं एक छोटा सा आपको कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा। वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये किताब मैंने अपने दोस्त से उस वक्त उधार ली थी आज से 8 साल पहले, जब मैं 8th क्लास में था। अभी मैंने अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म किया तो इस बात को ऑलमोस्ट 8 साल हो गए हैं। 8 सालों में मेरे पास बहुत सी बुक्स थी, कुछ दायाँ हो गई हैं, घर चेंज किया था, कुछ आगे पीछे हो गई हैं, घर नया बनाया था तो अफरा तफरी में वो बुक ज़ाया हो गई थी। लेकिन ये बुक किसी ना किसी तरह बची रही है। मुझे नहीं समझ कि क्यों, आई डोंट नो वाई ये बुक स्टिल अभी तक मेरे पास पड़ी है, लेकिन अभी मुझे आगे इसकी रीज़न समझ आई है। वो रीज़न मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा। अब आपको इस बुक का मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बुक का नाम है जी गुजरात तस्वीर के आईने में, हिस्टोरिकल बुक है और इस बुक का जो राइटर है वो है एम जमान खोखर साहब। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके हक़ में हमारी ये दुआ कबूल फरमाए। इन्होंने बड़ी ही मेहनत, बड़ी ही रिसर्च और बड़ी लगन के साथ ये बुक लिखी थी। पहला एडिशन जो इस बुक का है वो तकरीबन 1985 में, आज से ऑलमोस्ट 27 साल पहले आया था मार्केट में। उसके बाद 1 साल बाद ही 1996 में इसका दूसरा एडिशन आया था और तीसरा एडिशन आई थिंक सन 2000 में आया था। इसके अलावा इसके एडिशन की मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। किस टॉपिक पे है? टॉपिक इसका है हिस्ट्री कह लें, तसव्वुफ कह लें, ज़िला गुजरात में जितने भी नौ गज़े दरबार हैं उन सब की हिस्ट्री पे ये बुक है। बेसिकली ये पब्लिश तो 1995 में हुई थी, लेकिन इसमें जितनी रिसर्च है, जितना इन्होंने सफ़र किया है इसके लिए, वो तो एक जो कारी होता है उसको पता लग जाएगा पढ़ के। ज़िला गुजरात में जितने भी नौ गज़े दरबार हैं उन सब की डिटेल इस बुक में दी गई है। और 95 से पहले रिसर्च के लिए एक अच्छा खासा आपको जो है वो सफ़र करना पड़ता है, उसमें तरद करना पड़ता है, दुशवारियाँ आती हैं, मुश्किल आती हैं, लेकिन ये सब कुछ जो है वो राइटर सहता है। अब इस बुक को लिखने के लिए कितनी रिसर्च की गई है, कितना सफ़र किया गया है और आज से 27 साल पहले यहाँ पे अक्सर जो दरबार हैं उनकी तस्वीर भी हैं, ब्लैक एंड वाइट हैं, लेकिन तस्वीर उस वक्त की हैं। अभी कुछ दरबार नए बन चुके हैं। 27 साल पहले माहौल और होता था और आज माहौल बहुत सारा चेंज हो चुका है। तो ये बुक बेसिकली गुजरात की आपके आने रूहानी तारीख पे है, हिस्टोरिकल बुक है। बहुत से जो गुजरात में हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो वेस्ट हो चुकी हैं या वेस्ट होने वाली हैं उन पे है। गुजरात में जितने गाँव हैं, गुजरात के जितने ज़िला, गुजरात का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सिटी गुजरात, डिस्ट्रिक्ट गुजरात, इसकी तीनों तहसीलें उसकी हिस्ट्री पे है। इधर से छम का इलाका सारा कवर करते हुए ये टांडा साइड और उधर से जलालपुर और इस तरफ सारा इलाका कवर करके उसमें जितने दरबार आते हैं, जितनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, उसमें कोई म्यूज़ियम है, उसमें कोई किला है। गुजरात में पहले किले होते थे, शाही इमाम होते थे, उनकी तारीख इसमें कलमबंद की गई है। भिम्बर वाली साइड पर आप चले जाएँ, उनकी एक अलग तारीख है, वहाँ पर भी किले होते थे, उनकी तारीख भी इस बुक में जो है वो कवर की गई है। वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि आज से 8 साल पहले जब मैंने ये बुक पकड़ी थी पहली दफ़ा, उस वक्त मुझे तो नहीं था आइडिया कि मैं आगे चल के यूट्यूबर बन जाऊंगा या मुझे वीडियो का शौक आ जाएगा। लेकिन एट द वेरी फर्स्ट टाइम जब मुझे ये बुक मिली थी और मैंने इसका दिपाचा पढ़ा था, तो इसमें लिखा हुआ था कि उस बंदे ने बहुत मेहनत की है। और वाकई बुक पढ़ के आपको नज़र आता है कि बंदे ने मेहनत की है। सैकड़ों की तादाद में दरबार हैं, हर दरबार पर वो बंदा गया है आज से 27 साल पहले। यू कैन इमेजिन कि 27 साल पहले गुजरात का एरिया कैसा होता था, ना सड़कें होती थी, ना इतनी टेक्नोलॉजी थी, और यामाहा मोटरसाइकिल मेरे हाल इनके पास था, अजमान खोकर साहब के पास। तो इस पे उन्होंने रिसर्च की थी, बाकायदा हर दरबार पे गए थे, तस्वीर ली थी, उनके मतवलियों से बात की थी, तब जाके ये इतना नादर कलमी नुस्खा जो है वो बना था। ये सन 2000 एडिशन है। इट सेल्फ ये बुक जो है ये 22 साल पुरानी है, तकरीबन 22 साल पुरानी है। मेरे दोस्त के पास पता नहीं कैसे बच गई, उसके पास से मेरे पास सही 8 साल हो गए मेरे पास ये बुक पड़ी हुई है, शायद इसी काम के लिए जो मैं अभी आपको कहने लगा हूँ। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जब ये पहली दफ़ा बुक मेरे पास आई थी, इसका मैंने दिबाचा पढ़ा, उसके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ था कि दिबाचे में अहमद मान खोकर साहब लिखते हैं कि मेरी एक बड़ी ख्वाहिश थी कि गुजरात में की ये जितनी भी रूहानी तारीख है इसको मैं एक कलम बंद करूं। ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसको मैं ऐसा प्रोजेक्ट लेके चल रहा हूं। ये प्रोजेक्ट कोई फाइनेंशियली बैक नहीं था किसी तरफ से, कोई पेड प्रोजेक्ट नहीं था, अपनी ही हिम्मत पर उन्होंने ये सारा काम किया था और इसका रिवार्ड अल्लाह ही उन्हें देगा। जब मैंने ये बुक पढ़ी थी तो मेरे जहन में ये एक ख्वाहिश आई थी उस वक्त, आज से 8 साल पहले जब मैं 8th क्लास में था, कि यार उन्होंने ये जो तारीख है इनको बुक की फॉर्म में डॉक्यूमेंट किया है, मैं इसको वीडियो की फॉर्म में डॉक्यूमेंट करूंगा। उस वक्त मेरे दिन में नहीं था कि मैं यूट्यूबर बनूंगा, मुझे वीडियो का शौक होगा, लेकिन अब वीडियो का शौक भी है मुझे, मेरे पास टाइम भी है, हल्का सा मेरे पास स्किल भी है। तो अब मैं अपने चैनल को थोड़ी सी डायरेक्शन दूंगा, डायरेक्शन इस तरह से दूंगा कि अब इस दरबार अपनी वो जो ख्वाहिश जो मैंने आज से 8 साल पहले शायद अनजाने में कर दी थी या अनकॉन्शियसली कर दी थी, और शायद इसी वजह से ये बुक मेरे पास बची रह गई है, उसको मैं अमली जामा पहनाऊंगा, अपने उस प्रोजेक्ट को मैं पूरा करूंगा। इसमें जितने भी दरबार हैं मुझसे जितने भी कवर हो सके, मैं कोशिश तो करूंगा कि सारे ही कवर करूं। इस बुक में जितनी फहरिस्त दी गई है तकरीबन 300-400 दरबारों के, तो नाम के साथ यहाँ पे डिटेल है।
मैं उनमें से एक एक दरबार पे जाऊं जैसे वो गए थे आज से 27 साल पहले। आज 27 साल बाद मैं उन्हीं दरबारों पे जाऊं, उन्हीं जगहों पे जाऊं, उस वक्त की तस्वीर भी है, अभी की तस्वीरें, मैं इसको इसमें इंक्लूड कर दूंगा, व्लाग बनाऊंगा ताकि बाद में आने वालों के लिए ये एक और चीज़ बन जाए, एक और बेहतर चीज़ के तौर पर सामने आए। आने वाला ज़माना जो है वो देखने वाला है, पढ़ने वाले कम हो रहे हैं, देखने वाले ज़्यादा हो रहे हैं, आपकी जो कंटेंट कंजप्शन है वो ज़्यादा हो रही है। तो आज से मैं इस बुक को अपनी वीडियो की फॉर्म में डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करूँगा, जितनी मुझसे हो सके कोशिश मैं सबकी करूँगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जितने मैं व्लॉग्स बना सका इन सब दरबारों पर मैं जाऊँगा, इंटरव्यूज़ करूँगा, साइलेंट वॉक्स करूँगा, अगर मुझे इधर कोई बंदा मिल गया मतवली या जिसको हिस्ट्री का पता हो उसका इंटरव्यू भी कर लूँगा, नहीं तो मुझे उसके मतलब जितनी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली उसमें मैं व्लॉग बना लूँगा, साइलेंट वॉक्स जो मैं करता हूँ, ऐसी वीडियोज़, ओवरऑल इस बुक को कवर करेगा मेरा आने वाला कंटेंट। मेन कंटेंट ये होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा कंटेंट ख़त्म हो जाएगा। मैं जहाँ पे भी टूर्स वगैरह पे जाऊँगा उसके व्लॉग्स रैंडम वो आते रहेंगे, लेकिन मोस्टली जो अब कंटेंट आएगा वो इस बुक के रिलेटेड आएगा। आई वुड लाइक टू क्लियर वन थिंग कि मैं तसव्वुफ़ पे काम नहीं करूँगा, ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि इस डोमेन के बारे में मेरा इल्म कम और अमल कम तर है। मैं इसको आप एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन कह लें, मैं हिस्ट्री पे काम करूँगा, तसव्वुफ़ पे काम नहीं करूँगा, दरबारों की हिस्ट्री पे, साहिब दरबार का क्या नाम है, कैसे यहाँ पे आए, और ये चीज़ मुझे बड़ी फैसिनेट करती है कि हमारे इर्द गिर्द इतने ज़्यादा दरबार हैं। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।